मैं सौरभ कपूर सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से ये एक्टिविटीज़ हम इसलिए करा रहे हैं कि पिछले 2 साल से जो बच्चे लॉकडाउन में बिल्कुल बोर हो गए हैं या उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई हैं, तो ये एक्टिविटी कराने का मेन पर्पस हमारा यही है कि ये चीज़ें हमारे आगे स्कूल में भी चलती रहेंगी, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होंगी, एक एक बिल्डिंग्स में जाके ऐसा कुछ नहीं है कि ख़त्म हो जाएंगी। ये जो हमारा प्रोग्राम हमने शुरू किया है, ये सदगुरु स्कूल को एक बेसिक स्टेप्स है जो बच्चों के माइंड फर्टाइल करता है जगह जगह पे जाके। और क्योंकि राजा थारवानी सर का ये मेन उद्देश्य है कि अजमेर में एक बहुत ही अच्छा स्कूल जो हम लेकर आ रहे हैं, उसी में ये सारी एक्टिविटीज़ हम एक छत के नीचे सबको प्रोवाइड करा रहे हैं। थैंक यू। नेशनल स्कूल में अभी बहुत ही हैपनिंग इवेंट्स हो रहे हैं डेली। हम लोगों ने एक दिन हमने विजय सरिता इनक्लेव में एक इवेंट किया, फिर हमने गुरु अभय रेसिडेंसी में किया, आज हम कैसल रॉयल रेसिडेंसी में कर रहे हैं। तो हम डेली नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में एक बड़े अच्छे इवेंट्स और एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जिसमें फ़न गेम्स हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग गेम्स हैं और फिज़िकल एक्सरसाइजेज हैं बच्चों के लिए, जो फ़न में है। मतलब म्यूज़िक और डांस मस्ती में बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं, और 1-1.5 साल से बच्चों ने कुछ भी नहीं करा है, एंड देवर पैक्ड इन होम्स, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कोविड के टाइम में, और दे आर सो हैप्पी, दे आर इन्जॉइंग अ लॉट। और आज मदर्स के फेसिस में भी जो स्माइल है और जो बच्चे खुश होकर के इतना इतनी एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज़ रियली नाइस टू सी ऑल दीज चिल्ड्रन। और अब हम कंटिन्यूसली ये प्रोग्राम करते रहेंगे, एंड वी आर कमिंग अप विद द वेरी नाइस एक्टिविटीज़ इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। थैंक यू। कातिया, आपको कितने मज़े आए यहाँ पे और क्या क्या एक्टिविटी हुई और आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी? And event was organized by Sadhguru International School. We had a lot of fun. There were many fun activities, physical activities and mind games too. We had a lot of fun. Thank you, Sadhguru International School.